पंजाब की कांग्रेस पार्टी का विवादों से पुराना नाता हो चुका है। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे देखते हुए सभी पार्टियों की तरह ही कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में पार्टी की ओर से 30 प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लोकसभा सांसद मनीष तिवारी का नाम नदारद है। इसे देखते हुए मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने बात करते हुए कहा, मुझे आश्चर्य होता अगर मेरा नाम वहां होता। अब आश्चर्य नहीं है, यह वहां नहीं है। मुझे तो सभी जानते हैं, जहां तक हिंदू सिख का सवाल है। पंजाब में यह कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। कभी मुद्दा होता तो श्री आनंदपुर साहिब से सांसद नहीं होता। बता दें कि लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल है। इस लिस्ट में और भी कई सांसदों के नाम शामिल हैं। वहीं पंजाब में 40% आबादी हिंदू के होने के बाद भी यहां की एकमात्र हिंदू सांसद मनीष तिवारी को 4 मीटर होगी लिस्ट में नहीं रखा गया है। इस बीच पंजाब में कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह हिंदू मतदाताओं की अनदेखी कर रहे हैं। इससे पहले सुनील जाखड़ ने भी एक बयान में कहा था कि 40 विधायकों के समर्थन के बाद भी उन्होंने पंजाब के सीएम नहीं मिला था, क्योंकि वह एक हिंदू है।